शहरे औलिया मुल्तान, जिसे मदीनतुल औलिया मुल्तान भी कहा जाता है। मुल्तान अपने अंदर हजारों किस्से, कहानियां और वाकियात समोए हुए है, और अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो ये दुनिया का कदीम तरीन शहर कहलाया जाता है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिशे आयाम का शिकार होकर सफाए हस्ती से मिट गए। मुल्तान शहर हजारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा कायमो दाइम है। मुल्तान को ख़त्म करने वाले सैकड़ों हमला आवर खुद सफाए हस्ती से मिट गए, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तकद्दस के साथ जिंदा है। 327 कबल मिसी में जहलम और गुजरात की फतह के बाद सिकंदर आजम की फौज थकावट की वजह से मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर आजम ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सिकंदर आजम ने इन्हें दौलत का लालच दिया, जरखेज जमीनों पर कब्जे की उम्मीद दिलाई ताकि ये फौज मुल्तान की तरफ आगे बढ़े। मुल्तान में मुलवी कौम आबाद थी, जिनकी शुजात और बहादुरी की दास्तान हर तरफ फैली हुई थी। जब सिकंदर आजम की फौज ने मुल्तान पर हमला किया तो मुलवी कौम ने इसका डटकर सामना किया, और इसी महम के दौरान सिकंदर आजम की कमर में तीर लगा जो रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया। हकीमों की कोशिशों के बावजूद ये तीर ना निकल सका। इस पर इन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर आजम अपनी जंग जारी रख सके, और कुछ ही दिन बाद मुल्तान फतह हो गया। यूनानी फौज ने अपने बादशाह सिकंदर आजम के जख्मी होने का मुल्तवी कौम से भयानक इंतकाम लिया। मुल्तान में इब्तदा ही से बुजुर्गान दीन का बड़ा असरो रसूख रहा है, जिनमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, शाह रुकन आलम मुल्तानी, शाह शम्स सब्जवारी, शाह यूसुफ करदेस, मूसा पाक शहीद, हाफिज मोहम्मद जमाल, शाह अली अकबर शामिल हैं। इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मुल्तान को सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को फतह करने के साथ मुल्तान को भी फतह किया और इसे अपनी हुकूमत में शामिल किया। 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान गोरी के बाद बेशुमार खानदानों ने इसको अपना पाया तख्त बनाए रखा, जिनमें खानदान गुलामा, खानदान खिलजी, खानदान तुगना, खानदान सादात, खानदान लोदी और फिर मौलिया सल्तनत की हुकूमत तक मुल्तान मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा रहा। 1857 की जंगे आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर कब्ज़ा कर लिया और 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर की कंट्रोल में रहा। आज़ादी के बाद अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्तान पाइंदाबाद।